सभी भारतवासियों को गीता जयंती की ढेर सारी शुभकामनाएं। दोस्तों, आज ही के दिन जब महाभारत के युद्ध में कृष्ण भगवान, जब अर्जुन एक विषाद युग में पहुंच गए थे, तो उन्होंने भगवद गीता का सार उन्हें समझाया था और निष्काम कर्म का सिद्धांत है वो उन्हें समझाया था। कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, उन्होंने बहुत अच्छा समझाया था कि इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना है और कर्म करना जरूरी है। कर्म करते समय फल की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। फल जल्दी भी मिल सकता है, फल मिलने में देर भी हो सकती है, और कभी कभी यह भी हो सकता है कि एक फल ना मिले। पर इंसान के हाथ में सिर्फ कर्म करना लिखा हुआ है और कर्म करते रहना है। काफी युवा पीढ़ी के दोस्त जो मिलते हैं वो अलग विचारधारा में मानते हैं, वो कर्म भी नहीं करते हैं और फल की इच्छा रखते हैं, तो उन्हें भी ये आत्ममंथन करना चाहिए। और कृष्ण भगवान, जिन्होंने सभ्यता को हमेशा से एक बहुत बड़ा पाठ बढ़ाया है, काफी लोग ऐसा भी बात करते हैं कि भगवद गीता को राष्ट्रीय ग्रंथ घोषित करना चाहिए। पर दोस्तों, भगवद गीता एक अंतर्राष्ट्रीय ग्रंथ है। कभी भी किसी को जब राह में मुश्किल आती है, राह में समस्या आती है, तो भगवद गीता ही उसे नया मार्ग दिखाती है, नया राह दिखाती है और उसे अपनी क्षितिजों पे पहुंचाती है। तो श्री कृष्णम वंदे जगतगुरुम, कृष्ण भगवान जो जगतगुरु है वो हमेशा सबके प्रिय रहे हुए हैं। जय श्री कृष्णा।